प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता कितना पसंद करती है ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पीएम मोदी किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि पीएम जनहित के काम के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर रहते हैं। ऐसे में जो कोई भी उनका साथ तहे दिल से देता है वो खुद बखुद पीएम की गुड लिस्ट में शामिल होता चला जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके न सिर्फ काम बल्कि व्यक्तित्व के भी पीएम मोदी मुरीद हैं। पीएम मोदी इस शख्स को कितना पसंद करते हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब उनका ट्रांसफर हुआ तो पीएमओ से खुद फोन गया और 24 घंटे के अंदर तबादला रोक दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे आखिर कौन है वो शख्स जो पीएम की टॉप लिस्ट पर मौजूद है। ये कोई और नहीं बल्कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में कौशल राज शर्मा का ट्रांसफर प्रयागराज के मंडलायुक्त पद पर कर दिया गया था। 24 घंटे के अंदर ये फैसला वापस हो गया। खबर है कि ट्रांसफर रुकवाने के लिए फोन पीएमओ से ही गया था। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में कोई फेरबदल होता है तो पीएमओ को सूचित किया जाना चाहिए। अब आखिर कौशल राज पीएम के फेवरेट क्यों हैं? ये आपको बताएं उससे पहले उनके बारे में आपको विस्तार से बताते चलते हैं। कौशल राज शर्मा मूल रूप से हरियाणा के भिवानी के रहने वाले हैं। 5 अगस्त 1978 को जन्मे कौशल राज बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होनहार रहे। साल 2006 में आईएएस की परीक्षा पास करके यूपी कैडर में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से एमटेक और फिर एमए पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई की है। स्वभाव से शांत रहने वाले कौशल राज काम में काफी ज्यादा तेज तर्रार माने जाते हैं। फिलहाल वाराणसी के डीएम पद पर तैनात कौशल प्रयागराज कानपुर जैसे बड़े जिलों में भी डीएम रह चुके हैं। साल 2019 में उनको बनारस की कमान सौंपी गई थी। ये वही साल था जब पीएम मोदी एक बार फिर केंद्र की सत्ता में आए थे। बताया जाता है इस दौरान कौशल राज ने केंद्र और राज्य सरकार की कई परियोजनाओं को जन जन तक पहुंचाया। पीएम मोदी की पहली पसंद कौशल राज इसलिए भी चर्चा में रहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है। कहा जाता है कि जिस वक्त उन्होंने कार्यभार संभाला उस वक्त भाजपा सरकार कई मुद्दों पर घिरी हुई थी, उस पर कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन कौशल राज ने सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाकर भाजपा की छवि को सुधारा। कोरोना काल में डीएम कौशल राज ने जबरदस्त काम किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर वाराणसी की सड़कों का चौड़ीकरण, इस पर उन्होंने बारीकी से नजर रखी। सीएए एनआरसी को लेकर हुए बवाल को उन्होंने बहुत व्यवस्थित ढंग से पूरे मामले को संभाला। ऐसे में पीएम मोदी डीएम के इन कामों से काफी प्रभावित हुए। आपको बता दें कौशल राज को साल 2020 में फेम इंडिया मैगजीन की ओर से देश भर के 50 सर्वश्रेष्ठ आईएएस अफसरों की लिस्ट में शामिल भी किया गया था। इसके साथ साथ साल 2022 में उनको पीएम एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला था जो उन्हें खुद पीएम मोदी ने दिया था। अब साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले नगर निकाय चुनाव होने हैं। बीजेपी के लिए ये वक्त चुनौतियों से भरा है जिसकी जिम्मेदारी कौशल राज शर्मा अपने कंधों पर लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। बहरहाल पीएम मोदी के खास अधिकारी से मिलकर आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।